हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज के ब्लॉग में ना मैं सीधा आ चुका हूँ बकरियों को लेके चारा खिलाने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हमारे बकरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पर ना चारा खा रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं, अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो छोटी छोटी घास यहाँ पर आ रखे जो कि आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, ये देखिए। और गाइस व्यू की बात की जाए तो कुछ इस टाइप से व्यू है यहाँ पर, देखिए काफ़ी मस्त व्यू है। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है इस साइड में। तो गाइस तकरीबन ना 2 से 3 महीने हो चुके हैं मैं बकरियों पर ना चारा खिलाने के लिए नहीं आता था, लेकिन गाइस आज आ चुका हूँ। तो गाइस यहाँ पर ना छोटे छोटे घास तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ना बकरे अच्छे से खा नहीं सकते क्योंकि बहुत ही छोटे। जो भी बड़ी बड़ी घास दिखाई दे रही ना, इसको बकरियाँ खा सकती है। तो देख सकते गाइस, थोड़ी देर पहले बकरे यहाँ पर थी और अभी वो वहाँ पर गई है, जो कि आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही थोड़ी थोड़ी। तो देख सकते गाइस, यहाँ पर ये जो सामने रेड कलर की मिट्टी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी ब्लैक और रेड, यहाँ पर भी पहले बहुत सारे पेड़ थे जो कि अभी उनको उखाड़ दिया है और यहाँ की मिट्टी भर के ले गए लोग। देख सकते गाइस यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जितना भी दिखा जा रहा ना, और यहाँ पर ऊपर के साइड में भी है जो कि जाके मिट्टी दिखा पूरी निकाल दी गई है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ इसी ब्लॉग में। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ना इसी साइड में अब थोड़े से पेड़ बच चुके और यहाँ पर घास भी जो बची हुई है, लेकिन जो भी जानवर के लिए खाने के लिए घास थी ना, यहाँ से तो पूरा निकाल दी गई मिट्टी। तो गाइस फिलहाल के लिए तो हमारे बकरे हम लेते हैं और चलते साइड में, जहाँ पर ये जो छोटे छोटे पहाड़ी के टीले दिखाई दे रहे हैं उस साइड में चलते हैं हम बकरियों को लेके। तो गाइस चले फिर चलते उसे साइड में। तो गाइस अभी नवाब की बात की जाए तो अभी बच्चों के तो बकरियों को अभी चारा खिला रहे। तो गाइस बारिश का मौसम है ना, तो अभी इनको पानी पिलाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। जैसे बारिश के सीज़न में जहाँ पर भी पानी जमा हो जाता है ना, तो बकरे वहीं से पानी पी लेते। तो बारिश के सीज़न में उनको चारा खाने के लिए भी और पानी पीने के लिए भी कोई टेंशन नहीं रहता है। तो देख सकते गाइस अभी ना मैं छोटे वाले पहाड़ के ऊपर आ चुका हूँ, जो कि मैं अभी उसी पहाड़ पर खड़ा हूँ। कितना अच्छा माहौल है और काफी मस्त भी आ रहा है यहाँ से, देख सकते गाइस। और बैक साइड का भी व्यू दिखा देता हूँ आपको। देख सकते गाइस इस टाइम में ना बारिश आना शुरू हो चुकी है, जो कि आपको जो कि फॉग टाइप से दिखाई दे रहा है। और गाइस यहाँ पर है नदी, जो कि अभी ना बारिश के सीजन में पूरा भर जाएगी। जितना भी ये पानी नीचे जा चुका है ना, उतना ही ऊपर आने वाला है यहाँ पर। और मेरे साथ है एक डॉग, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा एक डॉग। और वहाँ पर है एक जो कि सामने की साइड में। तो गाइस यहाँ पर मैं तो आ चुका हूँ पहाड़ के ऊपर, जो कि छोटे वाला पहाड़ मैंने आपको इसे थोड़ी देर पहले दिखाया था। देख सकते गाइस दूसरी पहाड़ कैसे अब काफ़ी मस्त भी आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए। तो गाइस अभी मैं उस वाले पहाड़ के टॉप पर आ चुका हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से भी आ रहा है, यहाँ पर काफ़ी मस्त जगह है यहाँ पर बैठने के लिए। ये देखे गए थे यहाँ पर काफ़ी मस्त जगह है बैठने के लिए। यहाँ पर भी जो भी हम कुछ लाते हैं ना खाने के लिए, तो यहीं पर बैठ के खाते हैं।